दोस्तों YouTube अब आपके चैनल के मोनेटाइजेशन को डिसेबल नहीं करेगा, आपके एडसेंस को सस्पेंड नहीं करेगा। ये यूट्यूबर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जिसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकुल, आप देख रहे हैं नॉलेज ट्रांसफर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं और यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूट्यूब से रिलेटेड इस तरह के जो भी वीडियो लेके आता हूं वो आप तक पहुंच जाए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, इससे जब भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आऊंगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूं वो एकदम ऑथेंटिक और एकदम ऑफिशियल न्यूज है जिसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। और मुझे तो पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक किए बिना रह नहीं पाएंगे, साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर भी ज्यादा ज्यादा कीजिएगा ताकि हम जैसे जितने भी यूट्यूबर है जिनको इस बात का टेंशन लगा रहता है कि कहीं YouTube हमारे चैनल के मोनेटाइजेशन ना डिसेबल कर दे, हमारा एडसेंस ना जाए सस्पेंड ना कर दे, इस बात का जो भी टेंशन रहता है वो लोग इस टेंशन से मुक्त हो जाए। दोस्तों आपने नोटिस तो कर ही लिया होगा कि YouTube के मोनेटाइजेशन सेटिंग में जो डिसेबल मोनेटाइजेशन का बटन था वो अब नहीं दिख रहा होगा। तो आप ये भी चक्कर में पड़ गए होंगे कि अगर आपका CTR हाई हो जा रहा है और आप जब जा रहे हैं मोनेटाइजेशन डिसेबल करने के लिए तो आपको मोनेटाइजेशन डिसेबल का बटन दिख ही नहीं रहा है क्योंकि YouTube ने उस बटन को हटा दिया है। और ऐसा क्यों किया YouTube ने वो भी आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि YouTube CTR हाई हो जाने की वजह से आपके चैनल के मोनेटाइजेशन को डिसेबल नहीं करता है। तो आपको भी CTR हाई हो जाने की वजह से जो है अपने चैनल के मोनेटाइजेशन डिसेबल करने की जरूरत नहीं है, ये YouTube ने एकदम ऑफिशियली बता दिया है। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, YouTube ने ये साफ साफ कहा है कि किसी भी बेमतलब की वजह से या CTR हाई हो जाने की वजह से या किसी इस तरह से किस कारण से YouTube आपके मोनेटाइजेशन को डिसेबल नहीं करता है या फिर आपके एडसेंस को भी सस्पेंड नहीं करता है। क्योंकि YouTube को पता है कि यूट्यूबर बहुत मेहनत करके जो है अपने वीडियो बनाते हैं और YouTube चैनल चलाते हैं, तो इस तरह एक सेकंड में अगर किसी के मेहनत का पानी फेर देगा ऐसा YouTube नहीं कर सकता। YouTube अपने एडवर्टाइजर्स के बारे में भी सोचता है, YouTube हमेशा अपने यूट्यूबर्स के बारे में, अपने यूट्यूब क्रिएटर्स के बारे में भी हमेशा सोचता रहता है। तो YouTube ने यहाँ पे ये साफ साफ बता दिया है कि वो ऐसा नहीं करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका CTR बहुत ज्यादा हाई हो रहा है और आपको संदेह है कि कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है तो आप जाकर उस यूजर को है डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा YouTube ने बताया है। अब दूसरा चीज है कि आपको नहीं पता है कि कोई कौन कर रहा है या फिर आपको ये भी नहीं पता है कि सही में आपके चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि आपका CTR मान लीजिए 30-40-50% तक आपको दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो। तो मैंने ऊपर कार्ड में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए, आप उस वीडियो को देखने के बाद ये समझ पाएंगे कि सच में क्या आपके वीडियो पे इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। और जब आपको लग रहा होगा कि आपके चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है तो जो है आप इनवैलिड एक्टिविटी का फॉर्म भर दीजिए। लेकिन आपको अब इस बात की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि CTR हाई हो जाने की वजह से जो है यूट्यूब आपके चैनल की मोनेटाइजेशन डिसेबल कर देगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब को अगर लगेगा कि कुछ वीडियोस पे एड्स पे जो इनवैलिड क्लिक हुए हैं तो यूट्यूब ऑब्वियसली उसको जो है हमेशा फाइनलाइज अर्निंग करने से पहले उसको वैलिडेट करता है। और जो भी इनवैलिड क्लिक्स होते हैं या फिर डबल क्लिक्स होते हैं किसी एक ही एड पे दो बार या एक ही व्यूअर जो है तरह तरह के एड्स पे क्लिक कर देता है, तो ऐसा अगर होता है तो यूट्यूब वो आपके फाइनलाइज अर्निंग से वो पैसा काट के एडवर्टाइजर्स को वापस दे देता है। तो ये इसको यूट्यूब ने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया। पहले ऐसा होता था कि जब यूट्यूब को पता नहीं चलता था कि ये इनवैलिड एक्टिविटी जानबूझ के किया हुआ या क्या, तो यूट्यूब जो है आपके चैनल मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर देता था, वो भी हमेशा के लिए नहीं, फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि यूट्यूब सोचता था कि इस बंदे का चैनल पर बार बार अगर इनवैलिड क्लिक हो रही है तो अपने चैनल को थोड़ा देर के मोनेटाइजेशन बंद कर देगा तो इनवैलिड क्लिक रुक जाएगी, इसके लिए वो आपको बंद करता था, आपको पेनालाइज करने के लिए बंद नहीं करता। यूट्यूब का कभी भी मोटिव नहीं होता कि वो आपको पेनालाइज करे, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है यूट्यूब का वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है, अब जो है आपको अपने मोनेटाइजेशन को डिसेबल करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ इनवैलिड एक्टिविटी होती है तो यूट्यूब उसमें आपको एडजस्ट करके जो एडवर्टाइजर का पैसा वापस दे देता है और आपकी अर्निंग से वो थोड़ी बहुत पैसा अगर इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से हुई है तो वो काट लेता है। तो अब आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि CTR हाई हो गया मोनेटाइजेशन डिसेबल कैसे करूं। आप लोग तो इस बात के भी परेशान हो रहे होंगे कि CTR बहुत ज्यादा हाई हो गया और मोनेटाइजेशन डिसेबल का बटन ही नहीं दिख रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एड्स को ही डिसेबल करना शुरू कर दिए, स्किपेबल एड हटा दो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत तरह के कंफ्यूजन वाली बातें के वीडियो बनाते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि हमेशा कुछ भी करने से पहले अपना दिमाग लगाइए और हमेशा YouTube के ब्लॉग्स पे या ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उस चीज को सर्च करने की या पढ़ने की कोशिश कीजिए। नीचे का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके इस चीज को वैलिडेट कर लीजिए और हमेशा जो है अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए। और CTR के बारे में कुछ भी जानना तो ऊपर के कार्ड में जो वीडियो है वो आप देख लीजिए।
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आशा क्या करना है, आपको पसंद आया होगा, डेफिनेटली पसंद आया होगा, क्योंकि जो मोनेटाइजेशन डिसेबल का जो टेंशन था, सीटीआर हाई होने का टेंशन जो था, ये पूरी तरह हमारे साथ से जा चुका है। अब इस बात का टेंशन हम लोग को लेने का जरूरत नहीं है, अब हम लोग पूरे पूरे अपने कंटेंट पे ध्यान दे सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से शेयर भी कीजिए ताकि सारे दोस्तों के पास, सारे यूट्यूबर्स के पास जो है इसका इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उनका भी जो है टेंशन कम हो जाए। और जो आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।